हेलो गाइज, यू आर गोइंग टू लर्न फॉर फॉरएवर। लर्न फॉर फॉरएवर वेलकम्स यू। हम पढ़ रहे थे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। देखिए, रिसोर्सेज हैं तो डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट होगा तो ही हमारे पास रिसोर्सेज आएंगी। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, साइमल्टेनियस हैं, और इसी क्रम में आगे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स, जो भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, उसका जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, उसको एक रिसोर्स बनाते हैं, तो उसके लिए हमें एक इंट्रैक्शन दिखाना होगा, रिलेशनशिप बिटवीन नेचर। आपने उस चीज़ को नेचर से लिया, ग्रहण किया, नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। आप उस चीज़ को कोई भी पदार्थ ले लिया आपने नेचर से, फिर उसमें आपने टेक्नोलॉजी पुट करा, एफर्ट लगाया, बुद्धि लगाई, और उसको तैयार किया, उसको स्वीकृति प्रदान कराई, और वह जाकर बन जाता है आपके लिए रिसोर्स। तो देखिए, मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, PPL, ह्यूमन का ही सिनोनिम्स है पीपल एक तरह से देखा जाए, और उसी से PPL से ही याद रखिए आप, प्रकृति, प्रौद्योगिकी, और L को I मान के चलिए और याद हो जाएगा आपको इंस्टीट्यूशंस। ये इन तीनों का जब कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ से जब चीज़ें निकल कर आती है, तो वो हमारे लिए बन जाती है रिसोर्स। ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसा कि हमने समझा कि रिसोर्स है, कोई भी चीज़, उसको अपने, कोई पदार्थ है, उसको आपने डेवलप किया तो वो रिसोर्स बना, और आपने डेवलपमेंट किया है तो ही फिर आप पदार्थों को रिसोर्स बना पाएंगे। आपके पास टेक्नोलॉजी होगी तो आने वाले टाइम में संभावना ऐसी है, क्योंकि देखिए, वाटर जो है दैट इज़ मेड ऑफ आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और बोथ आर वेरी एनर्जेटिक सब्सटेंस। देखा जाए तो हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एनर्जी रखता है, और ऑक्सीजन चाहिए किसी भी कंबेशन के लिए, लेकिन दोनों मिल जाते हैं तो पानी बन जाता है। कुछ इस तरीके का अगर हुआ भविष्य में कि विदाउट ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन को हम बर्न कर पाए, जला पाए, तो बहुत बड़ा एक एनर्जी का सोर्स बन जाएगा। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, जो आने वाले टाइम पे संभवता हो जाएगी। देखिए, जहाँ तक हमारी सोच जाती है ना, चीज़ें उससे आगे भी मौजूद हैं। वी हैव अ सर्टेन लिमिट ऑफ आवर थिंकिंग, हमारी सोच की भी एक सीमा है, लेकिन चीज़ें हमारी सीमा से भी आगे तक हैं, वहाँ तक हमारी सोच ही नहीं गई है। आज से 1000 साल पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि इंटरनेट होगा, लोग वीडियो कॉलिंग से बात करेंगे, टेलीफोन पे बात कर पाएंगे। आज पता नहीं कोई सोचता है कि नहीं सोचता है कि हम सशरीर बॉडी के साथ जहाँ चाहे वहाँ प्रकट हो जाएं। आपको अच्छा अजीब लगेगा, लेकिन इसकी संभावना है। इसकी संभावना इस प्रकार से है कि देखिए, मैंने अभी कहा कि हमारी सोच की एक लिमिट है, और जो मैं सोच रहा हूँ ये तो हमारे लिमिट के अंदर है ना, ये मैं सोच पा रहा हूँ ना, चीज़ें इससे आगे भी मौजूद है। समझिए बात को, समझ रहे हैं आप? तो ये मेरा सोचना कि हम सशरीर जहाँ चाहे प्रकट हो जाएं, इट्स क्वाइट पॉसिबल, और भविष्य में हो भी सकता है ना। चलिए, तो इसके लिए चाहिए टेक्नोलॉजी। आगे देखते हैं, डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज एज्यूम्ड बाई ह्यूमन? देखिए, कुछ रिसोर्सेज तो हैं जो फ्री गिफ्ट है, जैसे कि अगर एयर बात करें, वाटर बात करें, हाँ बाद में वो कंटेमिनेटेड हो गई हैं, प्रदूषित हो गई हैं, उसको हम प्योरीफाई कर रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें फ्री में नेचर से मिलती है, कुछ नहीं भी हैं, दे आर नॉट, ऐसा भी है कि कुछ नहीं है। रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, हाँ जो हमने संसाधन बना लिए हैं ना, वो हमारे एक्टिविटीज़ का ही, हमारे एफर्ट का ही नतीजा है। जैसे कि मान लीजिए एनर्जी है, सोलर है, सोलर एनर्जी, उसको हमने कई तरह से अब यूज करना शुरू कर दिया है, तो हाँ ऑब्वियसली ह्यूमन एफर्ट है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग है जिससे कि हम उसका यूज कर पा रहे हैं।
Human being themselves are essential components of resources. Yes. Till a human will not be a capable, skilled one, how he can be able to extract anything from the any natural thing which is available for us. अगर इंसान के अंदर क्षमता होगी, वो कैपेबल होगा, तभी ना किसी प्राकृतिक चीज़ का उस तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा जो हमारे लिए परफेक्ट होगा. समझ रहे हैं? आगे देखते हैं. ह्यूमन बीइंग्स देमसेल्फ आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज. एग्जैक्टली. दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट इनटू रिसोर्सेज. हाँ, ह्यूमन ही है जो इन्वायरमेंट में मौजूद चीज़ें हैं उनको रिसोर्स बनाता है एंड यूज करता है. इन दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज. जी, ये जो रिसोर्सेज हैं ये इस प्रकार से क्लासिफाइड की गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन. जैसे उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो बायोटिक या अबायोटिक, है ना. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रहेगा कि नहीं रहेगा. ओनरशिप, मालिक उसका कौन है, कोई व्यक्ति है, कोई देश है या दुनिया की संपत्ति है वो. ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. हाँ, डेवलपमेंट मतलब उसकी संभावना है कि हम उसको यूज कर पाएँ. अभी हमारे पास वो स्टॉक में है, है ना, रिजर्व है, उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं. तो इस तरीके की तमाम चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियोज में समझाऊँगा. मैं बताऊँगा कैसे कि USA ने चंद्रमा तक को अपनी जागीर समझ लिया है और मान लिया है, और अब वहाँ पे एक्सप्लोरेशन माइनिंग वो शुरू करने की सोच रहा है. इसके बारे में डिटेल में आने वाले वीडियोज में पढ़ेंगे, ट्रिक से पढ़ेंगे. आपको मैं प्रयास करूँगा कि जो भी चीज़ें हम पढ़ें याद कराता चलूँ. तो अभी आप समझ पाए हैं कि प्रकृति में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, PPL, प्रकृति प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस, उसको तैयार किया जाना, उसको बनाना. चाहे वो फैक्ट्री में कोई चीज़ आप तैयार कर रहे हों, या लेबोरेटरी में तैयार कर रहे हों, या फिर उसको देश, समाज, संस्कृति, धर्म से मान्यता मिल जाए, तभी वो संसाधन बनकर निकलता है. कोई भी चीज़, मान लीजिए एक वैक्सीन बन गई कोरोना के, लेकिन पता लग रहा कि वो धार्मिक तरीके से उसको स्वीकृति नहीं मिल रही है धार्मिक लेवल पर, तो सक्सेसफुल नहीं होगा. समझ रहे हैं आप? तो कोई भी पदार्थ जब एक रिसोर्स बनता है तो उसको कई चरणों से, कई मेजर्स को पार करना पड़ता है. ये चीज़ें हैं, आगे कंटिन्यू रखेंगे. अभी के लिए धन्यवाद. आई होप चीज़ें आपको समझ में आएंगी. वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ बने रहें. वॉट एवर वी विल लर्न दैट वुड बी फॉर फॉर एवर, सो वी विथ लर्न फॉर फॉर एवर. थैंक्स गाइज.